हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से भगवान महावीर जी की जयंती का पोस्टर बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप लोग देखते रहिए ताकि आप लोग भी इस प्रकार से भगवान महावीर जी की जयंती का पोस्टर बना सको। दोस्तों, इस पोस्टर को बनाने के लिए जो भी PNG PLP मटेरियल यूज़ हुआ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसमें एक पासवर्ड लगा हुआ है जो इस वीडियो में आप लोग को 3 स्टेप में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को PNG चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए पिक्चरलैब एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहाँ जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए पिक्चरलैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद राइट साइड कॉर्नर में ऊपर की साइड पे 3 डॉट के निशान पे क्लिक करेंगे, यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे, और जहाँ भी हमने फाइल को डाउनलोड करके सेव करके रखा हुआ है वहाँ से हम लोग फाइल को ओपन कर लेंगे। यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा बैकग्राउंड रहेगा। अब इस बैकग्राउंड में हम लोग एक एक PNG को सेट करके अपना पोस्टर तैयार करेंगे। इसके लिए प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे, यहाँ से PNG सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे, फिर यहाँ पे बीच वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे और राइट साइड स्क्रॉल करके रिलेटिव साइज़ पर क्लिक करेंगे और इसका रिलेटिव साइज़ बढ़ा के 100 कर देंगे जिससे PNG सही जगह पे सेट हो जाए। उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद वापस प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे, यहाँ से एक और PNG सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे, इसका रिलेटिव साइज़ भी बढ़ा के 100 कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा पोस्टर तैयार हो गया है। अब इस पोस्टर में यहाँ पे नीचे की साइड पे हम लोग अपने चैनल का इंट्रो, अपने चैनल का नाम, अपना नाम और यहाँ पे अपना फ़ोटो PNG सेट करेंगे। तो मैंने अपने चैनल का इंट्रो ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है, उसे सिलेक्ट कर लेंगे, प्लस वाला आइकॉन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे, यहाँ से इंट्रो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे, इसका रिलेटिव साइज़ भी बढ़ा के 100 कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अपना फ़ोटो PNG सेट करेंगे। तो मैंने एक फ़ोटो PNG सेव करके रखा हुआ है, उसे सिलेक्ट कर लेंगे, प्लस वाला आइकॉन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे, यहाँ से फ़ोटो PNG सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे, इसका रिलेटिव साइज़ भी बढ़ा के 100 कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अपना नाम लिख सकते हैं और यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखेंगे। तो मैंने अपने चैनल का नाम ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है, उसे सिलेक्ट कर लेंगे, प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे, यहाँ से चैनल का नाम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे, इसका रिलेटिव साइज़ भी बढ़ा के 100 कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। दोस्तों, अगर आप लोग को अपने चैनल का नाम लिखना है तो प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ए वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे, पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद राइट साइड स्क्रॉल करेंगे, कलर वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर हमें पसंद हो। उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद राइट साइड स्क्रॉल करेंगे, ए बी फॉन्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर देंगे, जो भी हमें पसंद हो। उसके बाद ओके कर देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों, हम लोग अपना नाम भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों, इस पोस्टर को हम लोग गैलरी में कैसे सेव करें, इसके लिए शेयर वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे, इमेज फॉर्मेट में JPG या PNG सिलेक्ट करेंगे, क्वालिटी डायमेंशन में अल्ट्रा सिलेक्ट करेंगे और सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा पोस्टर गैलरी में सेव हो जाएगा।
दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग को किसी फेस्टिवल का या अपने शॉप का बैनर बनवाना है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोग मोबाइल से ही पोस्टर बना सको। दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।